ये कम से कम 15 तरीके का ट्रैक्टर है, स्वराज 855 15 तरीके का मॉडल है इसमें। आज किसान भाइयों आपको बताएंगे दलबीर जी, फोरमैन साहब, कि स्वराज जो 855 ट्रैक्टर है वो कितने तरीके का जो है ट्रैक्टर है। है तो स्वराज 855 लेकिन उसके अंदर भी जो है टाइप होती है, तरीके का होता है कि अलग अलग तरीके का मॉडल होते हैं। नाम स्वराज 855 ही होगा लेकिन उसके अंदर अलग अलग फीचर के साथ जो है 855 आपको मिला। नमस्कार जी दलबीर जी, हमारे किसान भाइयों को बताओ जी आज जो है स्वराज 855 कितने तरीके का होता है। स्वराज 855 आपको ये देखो कि सैंपल स्टीयरिंग का ट्रैक्टर मिलेगा आपने, हाँ जी, सादा स्टीयरिंग 14 गियर का मिलेगा जी। फिर आपने इसमें आ जाएगा सादे ब्रेक का भी ट्रैक्टर मिल जाएगा, अगर कोई भाई लेना चाहो तो सादे ब्रेक में भी ट्रैक्टर मिल जाएगा, हाँ जी। दो तरीके का होगा, भी चल रहा है, हाँ जी, जड़े इन तीन नहीं पहुँच रही है जी। तो फिर आपने इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, फोर स्टार बोला उसकी DT मॉडल, हाँ जी। तो उसमें आपने पावर स्टीयरिंग मिलेगा, RPTO मिलेगा, अच्छे वाल मिलेगी, और इसमें फिर आपने 16 टायर मिल जाएगा, 16 टायर में भी आवा है, 14 टायर में भी आवा है जी। और आपने इसमें IPTO का ट्रैक्टर मिलेगा स्वराज 855, जो इंडिपेंडेंट PTO जिसने बोला, हाँ जी, IPTO का मिल जाएगा। एक साइड गियर आइलो मीडियम मिलेगा, साइड गियर आइलो मीडियम, IPTO नहीं होगी उसमें, IPTO भी होगी, साइड गियर भी होगा, अच्छा। और अपना जो इसका सेंटर गियर में अपन है आइलो मीडियम नहीं मिलेगा, अच्छा। 14 टायर भी अवेलेबल हैं, 16 टायर भी अवेलेबल है इसमें, हाँ जी। और 4 स्टार में 5 स्टार में ये अंतर आपने देखे लिए होंगे, इतना का फर्क हो इसमें, हाँ। ट्रैक्टर की लंबाई का है, वेट का है, हाँ। जैसे अभी इस ट्रैक्टर की बात करा, 24 क्विंटल वेट है, अच्छा। तो इससे कम होंगे फिर वो 23 के 22 के वजन में भी फर्क, वजन में भी फर्क होगा, तो लंबाई का फर्क होगा ट्रैक्टर का, फीचर में फर्क होगा, तो इंजन में भी फर्क है जी, इंजन में भी फर्क हुआ है, फर्क होता है, हाँ। कुछ ऐसे फर्क हो हैं जो अपन इसमें नॉर्मल जैसे बोर स्ट्रोक वे चीज सेम हो है, ओके, पंप की रीडिंग में थोड़ा अंतर हुआ है, अच्छा, हाँ, उससे ट्रैक्टर में पावर कम बत्ती हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। तो टोटल ये जो है कितने तरीके का हो, 4-5 तरीके का, ये कम से कम 15 तरीके का ट्रैक्टर है स्वराज 855, 15 तरीके का ट्रैक्टर मॉडल है इसमें, सादा स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, फिर IPTO है, आइलो मीडियम है, सेंटर गियर का, फिर इनमें टायर सब में अलग अलग है, जैसे 14 टायर चाहिए तो आपने 16 टायर चाहिए, लेना चाहो तो 13 टायर में मिल सके 855, हाँ जी। और बात करें इंजन के बोर की, स्टोक की और सीसी की जी, सीसी इसमें 3307 cc का इंजन होगा इसका, हाँ जी। और इसमें दो तरह के मॉडल है, एक 3408 cc का भी आवा है, अच्छा, स्वराज का 855, वो किस नाम से आता है जी, XM के नाम से आवा है, XM, हाँ जी, अच्छा, उसका इंजन थोड़ा इससे और हैवी है, है स्वराज 855, और इसका 110 का हुआ है, स्ट्रोक 116 हुआ है, एक 122 में भी आवा है, 122 का भी स्ट्रोक हुआ है, अच्छा, वो कौन सा ट्रैक्टर है जी, बोर की ऊपर नीचे की जो लेंथ हुआ है ना, हाँ, उसने आपा बोर स्ट्रोक बोला, हाँ, और जो उसका स्लीव का अंदर का जो डाया हो उसने बोर बोला, हाँ, वो जिसका बड़ा होगा उससे सीसी ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी किसान भाई को ज्यादा पावर लेनी है लेकिन लेना 855 है और पावर चाहिए उसको बहुत ज्यादा, तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए जी, ट्रैक्टर अगर उसने पावर ज्यादा चाहिए, देखो स्वराज का 969 ट्रैक्टर आवा है, अच्छा ट्रैक्टर है, 963 है, और ये दो बड़े ट्रैक्टर हैं जो किसान में लेने चाहिए, अच्छे ट्रैक्टर, लेकिन 855 ही लेना हो जी उसने, 855 लेना हो तो देखो कंपनी तो कुछ इसमें अलग से नहीं करती, हाँ जी। अगर कोई भाई चाहे कि मैं ये ट्रैक्टर लूँ और उसकी पावर और बढ़वा लूँ, हाँ। तो उस पर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, वो बढ़ जाएगी, हाँ। कोई सी बात नहीं है उसमें, क्योंकि ये तीजाज का लागे हैं, बाहर अवेलेबल हैं, हाँ। हम उसमें ला भी देंगे, बढ़ा भी देंगे, पावर बढ़ जाएगी, जो 60 का 70 HP का हो जाएगा ट्रैक्टर, हाँ जी। अगर कोई बढ़वाना चाहे भाई तो उसका खर्चा लगेगा, वो बढ़ जाएगी पावर 855 में ही बढ़ जाएगी, 855, हाँ। अपना नंबर और बता दो जी फोरमैन साहब, 9352-57024। ये दलबीर जी फोरमैन साहब हैं, अगर स्वराज में आपको कोई कमी लग रही है या कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप इनको दिन में वर्किंग डे में वर्किंग आवर में जो है कॉल करके आप पूछ सकते हैं, 8 से 8 का टाइम है अपने फोन का, बस उससे बाद में बंद मिलेगा सभी बात की कोई जानकारी हो तो। धन्यवाद जी दलबीर जी, नमस्कार जी।